नमस्कार मित्रों, SSM शारदा IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी एक फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ टेम्प्रेरी एंगेजमेंट होता है और इस गिग इकोनॉमी का स्केल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और ग्लोबल वर्क फोर्स पर इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। इस वीडियो में हम लोग गिग इकोनॉमी के जो भी सोशल इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं उसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या चैलेंजेस हैं, फ्यूचर आउटलुक क्या है, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द गिग इकोनॉमी, यानी कि गिग इकोनॉमी की परिभाषा क्या है, एग्जैक्टली किस को हम कहेंगे कि ये गिग इकोनॉमी है। तो गिग इकोनॉमी की जब हम परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं, तब हमें ध्यान रखना होगा कि गिग इकोनॉमी या गिग अर्थव्यवस्था एक ऐसे लेबर मार्केट को इंडिकेट करती है जहां टेम्प्रेरी, इंडिपेंडेंट और फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट प्रेवलेंट हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, गिग इकोनॉमी रेफर्स टू अ लेबर मार्केट वेयर टेम्प्रेरी, इंडिपेंडेंट एंड फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स आर प्रेवलेंट। गिग अर्थव्यवस्था एक ऐसे श्रम बाजार को संदर्भित करती है जहां अस्थायी, स्वतंत्र और लचीली कार्य व्यवस्था प्रचलित होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप लोगों ने स्विगी या जोमैटो इस्तेमाल किया होगा, तो स्विगी या जोमैटो गिग इकोनॉमी के ही कॉन्सेप्ट में आते हैं। यहाँ पर जो लेबर है वो क्या है, टेम्प्रेरीली एंगेज है, टेम्प्रेरी काम है, इंडिपेंडेंट है, वो चाहे तो डिलीवरी करे, वो चाहे तो डिलीवरी ना करे। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट है, जितना कॉन्ट्रैक्ट उठाना चाहता है उतना कॉन्ट्रैक्ट उठा ले। तो दोबारा ध्यान समझिएगा, गिग इकोनॉमी को जब हम डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा ये एक टेम्प्रेरी व्यवस्था है, टेम्प्रेरी सिस्टम है। दूसरा, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किस सेंस में है, जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो हायर करना चाहता है वो जिसको चाहे हायर कर ले, जो जॉब करना चाहता है वो भी इंडिपेंडेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में, फ्लेक्सिबल है, जब तक एग्जीक्यूट करना है करें, नहीं करना है रोक सकते हैं। आमतौर पर ये जो गिग इकोनॉमी है ये रेगुलर इकोनॉमी या फॉर्मल सिस्टम से अलग इसलिए है क्योंकि जब भी हम किसी जॉब की बात करते हैं वहाँ एक सर्टेन पीरियड का अरेंजमेंट होता है, एक सर्टेन पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले आप उसमें से बाहर नहीं आ सकते। यहाँ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, आपने एक डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट लिया, शाम तक डिलीवरी कर दी, काम खत्म हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी क्या है, गिग इकोनॉमी रेफर्स टू अ लेबर मार्केट वेयर टेम्प्रेरी, इंडिपेंडेंट एंड फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स आर प्रेवलेंट। तो बहुत ध्यान से इन चीजों को समझिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर में आ सकता है। दूसरा, ये जो गिग इकोनॉमी है इसकी रैपिड ग्रोथ हो रही है, इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़ रही है क्योंकि स्विगी है, जोमैटो है, इनका स्केल बढ़ रहा है, इसी तरीके की और कंपनीज भी हैं उनका भी स्केल बढ़ रहा है। तो जब इन सब का स्केल बढ़ेगा रिजल्ट क्या होगा, गिग इकोनॉमी का डोमेन बढ़ता चला जाएगा। गिग इकोनॉमी के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनको टर्म दिया गया है गिग वर्कर या गिग श्रमिक। वो ध्यान से समझिए, गिग इकोनॉमी के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको टर्म दिया गया है गिग वर्कर या गिग श्रमिक। ये जो गिग वर्कर हैं ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे, स्विगी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, जोमैटो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट होंगे, अपने एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट होंगे, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, उस काम को पूरा करेंगे और काम फिनिश, वो अलग वो अलग। अब नॉर्मली जब स्विगी या जोमैटो इस्तेमाल करते हैं, हम एक फूड का एग्जांपल ले लेते हैं कि फूड परचेज करना है तो कोई भी आपकी सिटी में जो भी फेमस आपके यहाँ की रेस्टोरेंट होगा आपने वहाँ से खाना मंगाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्विगी या जोमैटो पे जा करके उस होटल या रेस्टोरेंट का नाम डालोगे, वहाँ से ऑर्डर प्लेस करोगे, यानी कि वो तो हो गया कौन, एम्प्लॉयर जो खाना देगा। अब एक आपके यहाँ डिलीवरी बॉय आएगा जो आपको वो खाना प्रोवाइड करेगा, वो कौन हुआ, गिग वर्कर, वो कौन हुआ, गिग वर्कर। तो वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने के बाद आपके यहाँ उसने डिलीवरी की, वो डिलीवरी उसने कंप्लीट की, उसका काम फिनिश हो गया, अब वो इंडिपेंडेंट है, वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट उठाना चाहता है उठाएगा, नहीं उठाना चाहता है वो नहीं उठाएगा।
अब नेक्स्ट हम लोग बात करें, दोबारा ध्यान समझ लीजिएगा, डेफिनेशन हमने समझ ली और ये चीज समझ ली कि इसकी रैपिड ग्रोथ हो रही है और इसका ग्लोबल लेवल पर एक इंपैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि गिग इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। गिग इकोनॉमी की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, यानी कि इसकी विशेषता जो है पहली, वो है फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट का मतलब है एक लचीली व्यवस्था दे दी, एक लचीली कार्य व्यवस्था है। यहाँ जो गिग वर्कर हैं, गिग श्रमिक हैं, उन्हें ये चुनने की स्वतंत्रता है कि वे कब कहाँ और कितना काम करते हैं। गिग वर्कर्स को ये राइट है, उन्हें फ्रीडम है कि वो कहाँ काम करना चाहते हैं, कितना काम करना चाहते हैं, ठीक है, और कब करना चाहते हैं। दूसरी जो इसकी फीचर है, ये टेम्परेरी है और शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट है। क्या है ये? टेम्परेरी है और शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट है, अस्थाई है और अल्पकालिक है, अस्थाई है और अल्पकालिक है। ये जो गिग है, यानी कि गिग इकोनॉमी के अंदर जो काम होता है, या गिग्स जो हैं, जो वर्कर हैं, ये बहुत छोटी अवधि के होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोग काम करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के ही प्रोजेक्ट होते हैं, काम कंप्लीट और गिग इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जैसे ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसका नाम स्विगी हो, जोमेटो हो या कोई और वेबसाइट हो, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो गिग श्रमिक हैं उनको नियोक्ताओं के साथ जोड़ते हैं, एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि एक इफेक्टिव मैच मेकिंग हो सके और ट्रांजेक्शन्स हो सकें। यानी कि एक तरफ कौन होगा? एम्प्लॉयर, जिसे अपना सामान बेचना है, दूसरी तरफ होगा डिलीवरी करने वाला, यानी कि गिग एम्प्लॉयर, ठीक है, यानी कि गिग श्रमिक, यानी कि गिग वर्कर एक तरफ हुआ और दूसरी तरफ कौन हुआ? एम्प्लॉयर। इन दोनों को कनेक्ट करेगा कौन? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। और लास्ट जो इसकी फीचर आती है, यह है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर स्टेटस। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर स्टेटस, यानी कि जो भी गिग श्रमिक है वह स्वनियोजित है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड, उसको आप एक ठेकेदार की तरह मान सकते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो खुद अपने टैक्सेस मैनेज करेगा, खुद अपने इंश्योरेंस मैनेज करेगा, खुद अपना बिजनेस एस्पेक्ट मैनेज करेगा। वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, वो एक गिग वर्कर है, छोटा काम कर रहा है, इनकम उसकी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, वो स्वतंत्र है, वो इंडिपेंडेंट है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। यानी कि बात को समझिए, अगर एक तरफ सेलर है या हम कहें एम्प्लॉयर है, दूसरी तरफ गिग वर्कर है। अब ये जो गिग वर्कर है ये डिलीवरी का ही काम कर रहा है, फूड डिलीवरी का काम कर रहा है, यहाँ से ऑर्डर उठाएगा, डिलीवरी कर देगा, और इनको कनेक्ट करने वाला है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इनको कनेक्ट कौन करेगा? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लेकिन ये जो गिग वर्कर है, ये गिग वर्कर इंडिपेंडेंट है, ये गिग वर्कर इंडिपेंडेंट है, इसको हम किसी के अंडर जॉब की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसीलिए यहाँ टर्म इस्तेमाल हुआ है गिग वर्कर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स क्या हैं गिग इकोनॉमी के, यानी कि गिग अर्थव्यवस्था के लाभ क्या हैं। सबसे पहला लाभ है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी है वर्कर्स के लिए। सबसे पहला लाभ क्या है? जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है और ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी अभी हमने डिस्कस भी किया, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ऑटोनॉमी है, अपना काम खुद करेंगे, ठीक है। यहाँ गिग वर्कर के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या है कि वो अपना स्केड्यूल खुद बना सकते हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो पर्सनल कमिटमेंट है उनके, और जो उसकी वर्किंग लाइफ है उसके बीच में वो एक बैलेंस बना सकते हैं, वो उनका काम है। दूसरी जो फीचर है वो है एक्सपेंडेड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेंडेड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ उसे लाभ हो जाता है, मान लो कोई व्यक्ति है उसमें कार्य करने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा है, एक्स्ट्रा वर्क कर सकता है, वो रात दिन काम करने के लिए तैयार है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो गिग इकोनॉमी है ये एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एक्स्ट्रा अर्न भी कर लें। तो गिग इकोनॉमी क्या दे रही है? एडिशनल अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रही है, एडिशनल अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रही है, ताकि वो अपनी स्किल्स को, अपने एसेट को मनी में कन्वर्ट कर सके, उसको मोनेटाइज कर सके। नेक्स्ट जो फीचर है वो है एक्सेस टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ वर्क, यानी कि आप विविध प्रकार के काम कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर टास्क में एंगेज थे, अब आप दूसरा टास्क नहीं कर सकते। आप गिग वर्क करें, आप एक टाइम पे एक टास्क कर रहे हैं, दूसरे टाइम पे दूसरे टाइप का, तीसरे टाइम पे तीसरे टाइप का, तो इससे क्या हो सकता है, एक संभावना बढ़ती है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं। और जो लास्ट आता है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है, अब आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं वो जॉब में इतने टाइम के लिए एंगेज हो जाते हैं कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो अगर गिग वर्क, गिग वर्कर है, गिग इकोनॉमी में काम कर रहा है, तो ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो काम को कितना समय देता है, अपनी पर्सनल लाइफ को कितना समय देता है। इससे क्या होगा, पॉजिटिव में देखें तो उसका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा और ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो उसकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जो टास्क है हमारा गिग इकोनॉमी संबंधित देखने का, वो है चैलेंजेस। गिग इकोनॉमी के चैलेंजेस क्या हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर गिग इकोनॉमी है तो इसके बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस देखते हैं अर्थव्यवस्था में, जो गिग अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अब जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट यहाँ नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, ये जितने भी इस तरीके की बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट के बेनिफिट हैं, मैटरनिटी रिलीफ के बेनिफिट हैं, या बाकी के और जो भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो बेनिफिट गिग वर्कर को नहीं मिल पाते। तो हेल्थ केयर हो, रिटायरमेंट प्लान हो, या पेड लीव्स हो, वो सब बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। दूसरा क्या है, इनकम वॉलेटिलिटी एंड फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। इनकम वॉलेटिलिटी एंड फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। कमाई अनियमित होती है, अप्रत्याशित होती है, और जो श्रमिक हैं उनके लिए वित्तीय नियोजन चुनौतीपूर्ण हो जाता है, यानी कि जो उनका फाइनेंशियल प्लानिंग है वो चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि इनकम इररेगुलर है, अनप्रिडिक्टेबल है, होने के लिए कभी बहुत ज़्यादा हो जाए, होने के लिए कभी काम ही ना मिले, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी के कारण ये एक चैलेंज बन जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस, यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स होते हैं, ये सोशल सिक्योरिटी जो है वो कवरेज नहीं मिल पाता। जैसे कि अब अगर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी नेट जो हैं, सामाजिक सुरक्षा जो मिली हुई होती है, उनके बेनिफिट यहाँ नहीं मिल पाते, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज आता है वो है डिफ़िकल्टी इन करियर प्रोग्रेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। अब ट्रेडिशनल जो करियर पाथ है, जो लॉन्ग टर्म, उसमें दिखाई देता है कि लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, कि भाई आपने इस पर्टिकुलर सेक्टर में 10 साल काम किया तो आपको इस सेक्टर के आप मास्टर हो गए, आपकी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन अगर आप गिग वर्क में काम कर रहे हैं तो किसी भी सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए आप काम करने वाले नहीं हैं। अभी एक सेक्टर में काम किया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, तो एक चैलेंज इसका ये हो जाता है कि जो हमारा करियर ग्रोथ है, करियर का जो प्रगति है, और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट है, कौशल विकास है, उसमें कठिनाई होती है, उसमें चैलेंज खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, यानी कि व्यवसाय और उद्योगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव लेबर सोल्यूशन। कॉस्ट इफेक्टिव लेबर सोल्यूशन। अब अगर देखें तो जैसे जैसे लेबर लॉज की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, यानी कि श्रमिकों के लिए जो कानून होते हैं सरकार के द्वारा बनाए हुए, उसमें श्रमिकों के लाभ के लिए जो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाते हैं, उसके कारण जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो ये प्रेफर नहीं करते कि फॉर्मल सेक्टर की तरह ही वर्कर को एंगेज किया जाए, क्योंकि उसमें उसका पीएफ कटेगा, बाकी की चीज़ें कटेंगी, गवर्नमेंट के नॉर्म्स अप्लाई होंगे। तो कंपनीज भी ये चाहती हैं कि वो गिग वर्कर्स को ही हायर कर लें, शॉर्ट टर्म के लिए हायर हुए, काम कंप्लीट हुआ उसके बाद हटा दिए गए। बिजनेस अगर ग्रोथ कर रहा है तो ज़्यादा वर्कर हायर कर लो, बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है तो वर्कर्स को निकाल दो। तो जो बिजनेस है वो बढ़ सकता है, किसकी वजह से, क्योंकि गिग वर्कर्स एक जब भी डिमांड होगी तब अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा है इन्हेंस्ड स्केलेबिलिटी, इन्हेंस्ड स्केलेबिलिटी एंड एजिलिटी। इसमें क्या है कि जो गिग इकोनॉमीज है, गिग इकोनॉमीज कंपनीज को ये अलाउ करती हैं कि वो जब चाहें तब वर्कफोर्स को इंक्रीज कर ले, जब चाहे वर्कफोर्स को डिक्रीज कर ले, यानी कि जब चाहे बढ़ा दें और जब चाहे घटा दें। और ये दोनों एक तरीके से ओवरलैप करते हैं, यहाँ जैसी स्किल का लेबर चाहिए वैसी स्किल का लेबर हायर कर लो,
यहां जितना चाहिए उतना हायर कर लो। नेक्स्ट जो इसका इंपैक्ट आता है वो है डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, यानी कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल हैं वो डिसरप्ट होते हैं। वो क्या हो जाते हैं? डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब क्या है? उन मॉडल्स का विघटन हो रहा है, क्योंकि एक नए प्लेटफॉर्म आ गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक नया मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं इकोनॉमी के लिए, और जैसे जैसे लोग इस तरफ टिल्ट होंगे जो एग्जिस्टिंग मॉडल है वो खत्म होंगे। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो एक शॉप है, एक किराना की दुकान है, उसमें दो लड़के काम करते हैं। अब वो लड़के उस दुकान में काम करना नहीं पसंद कर रहे, कारण कि उनको ज़्यादा अर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर वो गिग इकोनॉमी की तरफ टिल्ट होते हैं। अगर वो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं तो पर डे में जितने पीस डिलीवर करेंगे उसके हिसाब से उन्हें पैसे मिलेंगे। तो डिलीवरी वाले में उन्हें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, उस शॉप में काम करने में उन्हें बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसीलिए जो पारंपरिक व्यापार का मॉडल है उसका विघटन होगा, जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है उनका डिसरप्शन होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पैक्ट आएगा बिजनेस के ऊपर वो है इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन एंड इनोवेशन, यानी कि गिग इकोनॉमी कॉम्पिटिशन को इंक्रीज कर रही है और साथ साथ इनोवेशन बढ़ेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नवाचार बढ़ेगा। नेक्स्ट इसके देखते हैं सोसाइटल इम्प्लीकेशन, समाज पर इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं। समाज पर जो प्रभाव होने वाले हैं, सबसे पहला है चेंजिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड वर्क, यानी कि काम के लिए लोगों का माइंडसेट चेंज होना। इंडिया में देखा गया तो इंडिया में जो मैक्सिमम लोग थे जो गिग इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, उनका मेन जो अट्रैक्शन था वो मनी था, कि गिग इकोनॉमी ज़्यादा इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इसलिए गिग इकोनॉमी की तरफ टिल्ट हो रहे हैं। गिग इकोनॉमी ने वर्क के लिए परसेप्शन चेंज किया है, लोग फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, भाई जब चाहे हम काम करेंगे जब चाहे नहीं करेंगे। अब कोई व्यक्ति सुबह तक उठेगा ही नहीं तो वो कहेगा ठीक है डिलीवरी तो रात को भी हो जाएगी, मैं रात को काम कर लूँगा। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड घट रहा था, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड वापस बढ़ रहा है। तो यानी कि वर्क के लिए एटीट्यूड चेंज होना। दूसरा है इनकम इनइक्वालिटी एंड वेल्थ डिस्पैरिटी। इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ डिस्पैरिटी का मतलब है गिग वर्क जो है, अगर एक वर्कर है वो ज़्यादा काम कर सकता है तो ज़्यादा अर्निंग करेगा, दूसरा वर्कर है वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ज़्यादा काम नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, जो इनकम है उसमें वेरिएशन आएगा। दूसरा, जब ज़्यादा काम मिल रहा है तो काम हो रहा है, अगर काम मिल ही नहीं रहा है तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आय असमानता होगी, ठीक है, और संपत्ति में भी असमानता होगी, इनकम इनइक्वालिटी होगी, वेल्थ डिस्पैरिटी होगी। नेक्स्ट जो है वो है शिफ्ट इन लेबर मार्केट डायनेमिक्स। जो लेबर मार्केट है वो चेंज होगा। लेबर मार्केट का क्या मतलब है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप चेंज होगा, यानी कि नियोक्ता कर्मचारी संबंध चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? अब कर्मचारी उसके अंडर कर्मचारी नहीं रहा, अब वो एक इंडिपेंडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। इंडिपेंडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है जो अपनी मर्जी से काम करता है, वो एम्प्लॉयर के हिसाब से काम नहीं करता, नियोक्ता के हिसाब से काम नहीं करता। तो ये जो रिलेशन है, ये जो लेबर मार्केट डायनेमिक्स है, चेंज होगा, यानी कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, नियोक्ता कर्मचारी संबंध है, वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलिसी एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशन। अब जैसे जैसे गिग इकोनॉमी बढ़ेगी, गिग वर्कर्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट को इनके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जब नीति निर्माताओं को नवाचार भी करना पड़ेगा और ये जो गिग वर्कर्स हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी रूल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इनिशियली इनकम तो अट्रैक्ट कर लेगी लेकिन धीरे धीरे जैसे बाकी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे फिर इनको लॉस होगा, फिर परेशान होंगे, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर एक्टिव होना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्यूचर आउटलुक। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो गिग इकोनॉमी है ये कंटिन्यूटी में इसका एक्सपेंशन हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, और एक्सपेंशन ऐसा नहीं केवल इंडिया में हो रहा है, थ्रू आउट द वर्ल्ड इसका एक्सपेंशन हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, उसके साथ कॉम्बिनेशन में चीज़ें हो रही हैं। दूसरा इसमें क्या है कि यहाँ ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो ब्लॉग राइटर हों, चाहे वो कंटेंट डेवलपर हों, या किसी के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना हो, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन इसको और भी ज़्यादा सॉलिड बना देता है। इसके बाद है वर्क फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिमोट वर्क। वर्क फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी रिमोट वर्क का क्या मतलब है?
कि जो लेबर मार्केट है वो फ्लेक्सिबिलिटी से काम कर रही है, रिमोट दूर के डिस्टेंस पे वो काम कर लेगी, बैठे एक सिटी में यहाँ ऑर्डर दिया डिलीवरी दूसरे सिटी में है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं इससे क्या है, इनका कंटिन्यूटी में एक्सपेंशन भी हो रहा है। फिर नेक्स्ट है बैलेंस वर्कर प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन। अब वर्कर की प्रोटेक्शन के साथ साथ इनोवेशन को बैलेंस करना होगा, ध्यान से समझिएगा। एक तरफ तो इनोवेशन आ रहा है वो इंडिपेंडेंट बन रहा है, दूसरी तरफ उसकी जो प्रोटेक्शन है वो डिक्रीज हो रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या बनाना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। और नेक्स्ट है न्यू फॉर्म ऑफ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। जो न्यू फॉर्म ऑफ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा जैसे ट्रेडर्स हैं तो ट्रेडर्स की यूनियन बनी होती है, फार्मर्स हैं फार्मर्स की यूनियन बनी होगी, वो यूनियन क्या करती है उनके कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। अब गिग इकोनॉमी में गिग वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो इन गिग वर्कर्स की एक यूनियन बनेगी इन फ्यूचर, तो वो गिग वर्कर्स की यूनियन कैसे बनेगी, कोऑपरेटिव फ्रीलांसर्स की यूनियन कैसे बनेगी, वो एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो नए फॉर्म किसके बनेंगे, कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के नए फॉर्म हमारे सामने आएंगे फ्यूचर में। तो ये इसका फ्यूचर आउटलुक है, यानी कि फ्यूचर में हमें दिखाई देगा कि गिग इकोनॉमी का एक्सपेंशन हो रहा है, दूसरा इसका इंटीग्रेशन ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हो रहा है, तीसरा वर्कफोर्स की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रिमोट वर्क होगा, इसके अलावा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि उन्हें वर्कर की प्रोटेक्शन भी करनी होगी और इनोवेशन भी करना होगा, तो इसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। और जो कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे ट्रेड यूनियन वगैरह, इसी तरीके की नई फॉर्म की ऑर्गेनाइजेशंस हमें देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो गिग इकोनॉमी क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है। कैसी फोर्स है, ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स, परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में गिग अर्थव्यवस्था उभर करके आ रही है। दूसरा जो श्रमिक हैं और समाज हैं, श्रमिक हैं और समाज, वर्कर्स और सोसाइटी, इनके लिए अवसर और चुनौतियां दोनों को संतुलित करना होगा। गिग इकोनॉमी एक अवसर के रूप में भी है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी है और चैलेंज के रूप में भी है, तो अवसर और चुनौतियां दोनों को संतुलित करना पड़ेगा। और तीसरा है कि जो फ्यूचर वर्क होगा फर्दर, जो भी इसमें डेवलपमेंट आएंगे उनके ऊपर कंटिन्यूटी में डिस्कशन चलते रहेंगे, क्योंकि गिग इकोनॉमी अभी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक डेवलप होती हुई इकोनॉमी है, और नियर फ्यूचर में हम देखेंगे कि गिग इकोनॉमी एक बड़ा स्पेस ले लेगी। तो यहाँ हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। गिग इकोनॉमी के ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई आर्टिकल आपको न्यूज़पेपर में दिखाई दे, कहीं और दिखाई दे, उससे कनेक्ट करके आप इसको समझ सकते हैं, और गिग इकोनॉमी मे बी कि नियर फ्यूचर में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित हो, इसलिए गिग इकोनॉमी को अच्छे से समझ करके चलिएगा। तो यहाँ हम इस लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, थैंक यू।